फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा नाइन्थ की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 46, तिथि 19 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हिंदी में कहें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन। तो यहाँ पर अब हमारा टॉपिक है गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है उसके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आगे यहाँ पर आवश्यक पूर्व ज्ञान, यानी कि आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, गोले और पृष्ठीय क्षेत्रफल की आपको समझ होनी चाहिए, गोला किस तरीके से होता है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पूर्व नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए। तो आगे यहाँ पर बच्चों, आकृति में आप एक गोला और हमारे आसपास दिखने वाली गोले के आकार की कुछ वस्तुओं को देख सकते हैं। गोले का पृष्ठीय केवल एक वक्रीय फलक से बना है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या वाले चार वृत्तों के बराबर होता है। हम पाते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², यानी कि r गोले की त्रिज्या होती है। तो इसके अनुसार 4πr² इसका जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, या इसको गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, इंग्लिश में कहते हैं TSA ऑफ स्फीयर। तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर आकृति आपको दिखाई गई है, जैसे ग्लोब यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर ये बॉल्स दिखा रखी हैं, यहाँ पर ये बॉल्स यानी कि जो नक्शा दिखा रखा है आपको, यानी कि उस पर ग्लोब पर, और यहाँ ये जो बना होता है ये चार सर्कलों से बना होता है, और इसकी जो सारी की सारी आर हैं वो यानी कि जो कैपिटल आर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखी हैं। उदाहरण नंबर 1, इस प्रकार 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि SA कहें या इसको TSA कहें, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr² 4 तो 4 ही है, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 14×14, 7 से 14 को काट देंगे दो बार और बाकी जो बच जाएंगे उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर² आपका ये क्षेत्रफल रहेगा। अब अर्धगोले की बात करते हैं, तो अर्धगोला किस प्रकार का होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास में कोई बॉल है और बॉल के आपने क्या किया, दो टुकड़े कर दिए, एक ये ऊपर और एक नीचे, तो ये इस तरीके से अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा मानो या ये वाला हिस्सा मानो, ये अर्धगोला आपका कहा जाता है। तो आइए एक ठोस गोले लें और इससे बीच से उसके केंद्र से जाते हुए तल द्वारा दो भागों में काटें, यानी कि इक्वल टू पार्ट्स में काटना है। गोला दो बराबर भागों में बढ़ जाता है जिसमें से प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है, यानी कि जो प्रत्येक भाग है ये भी अर्धगोला है और ये भी अर्धगोला है। एक अर्धगोले को दो फलक, एक वक्रीय तथा दूसरा समतल, एक तो वक्रीय यानी कि जो नीचे का हिस्सा है ये वक्रीय कहा गया है और दूसरा समतल, ये ऊपर का हिस्सा जो ये है समतल है, ये वक्रीय है और ये समतल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होगा, इसलिए अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 4πr² का आधा यानी कि 2πr² आपका होगा, r अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले के दोनों फलकों को लेने पर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर ये वक्र का और यहाँ जो समतल है इसका सरफेस एरिया जो होगा वो हमें ऐड करना है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा बन जाएगा। तो 2πr² यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होगा ये वाला हिस्सा, ये 2πr, और ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, ये हिस्सा, ये हो गया हमारा πr², दोनों को जोड़ दिया तो 3πr² इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया हेमी स्फीयर का। अर्धगोले को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, हेमी स्फीयर का TSA हो गया, ये CSA हो गया हेमी स्फीयर का। तो इस तरीके से आप इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रख सकते हैं, कोई भी आकृति अगर आपके सामने आती है तो इस तरीके से उन चीज़ों को याद रखें, और कि ये आकृति हमारे मैथमेटिक्स में इसको मैथ में क्या कहा जाता है, तो उसको उसी के अनुसार हमें लेके चलना है और उसी के अनुसार सिंप्लीफाई करना है। आगे यहाँ पर यह आपको 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो LSA फाइंड करना है हमें, LSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये होगा 2πr², 2 तो 2 ही है, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 14 है और आर हमारा 14, 7 से 14 को काटेंगे और बाकी जो बच जाएंगे ऊपर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1232 सेंटीमीटर² आ जाएगा। अब यहाँ पर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, या SA कहा जाए,
तो अब यहाँ पर टी एस से हम निकाल रहे हैं तो 3πr² होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था। तो 3 है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 और यहाँ पर 14, इनको काट दिया, 7 से 14 को काट दिया 2 बार और बाकी जो बच गए सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1848 cm² आपका एरिया हो गया किसका, हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, अर्ध गोले कटोरा 0.25 cm मोटी स्टील से बना है, जैसे यहाँ पर आपको आकृति दिखाई गई है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, जो अंदर की त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की जो ये त्रिज्या है ये 5 cm है। कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है और पाई की वैल्यू 3.14 ही आपने यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस कटोरे की मोटाई है वो 0.25 है, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होगी यानी कि स्मॉल आर मानना है, इसको स्मॉल आर आपकी 5 cm हो जाएगी। जो बड़ी आर यहाँ से यहाँ तक आ रही है इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला आर की वैल्यू हो जाएगी 5.25, क्योंकि इसकी जो मोटाई है, मोटाई अंदर वाली आंतरिक रेडियस में जोड़कर बड़ी वाली रेडियस बन जाएगी, तो इसको रेडियस को आप बड़ी रेडियस को यानी कि जो बड़ी त्रिज्या है उसको 5.25 cm कह सकते हैं। अब इसके अनुसार अर्ध गोले कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 5 cm हमें रेडियस लेनी है, उसके अनुसार 2πr² हमारा फॉर्मूला था, तो 2 तो 2 ही है, पाई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 3.14, तो यही हमें रखनी है 3.14 और आर की वैल्यू 5×5, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया हमारे 157 cm². दूसरा है अर्ध गोले कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बाहरी ले रहे हैं तो इसमें बड़ी आर है हमारी 5.25, तो 2πr² यानी कि कैपिटल आर मान लिया है यहाँ पर स्मॉल आर की जगह, अब तो 2 × 3.14 × 5.25 × 5.25 इक्वल टू हो गया हमारा 173.09 cm², हिंदी में कहें तो 2 × 3.14 × 5.25 × 5.25 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो 173.09 cm² आपका इसका अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया बाहर वाले का। अब अर्ध गोले कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना है और इसमें से रिंग का जो क्षेत्रफल है वो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो अर्ध गोले कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, 157 हमारा ये आया है निकल कर ये, और फिर यहाँ पर 173.09 ये आया है, इसमें से रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा, रिंग का क्षेत्रफल होगा π × r² - r² ये वाला होगा, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ये रख दी और इन दोनों को जोड़ के इसमें से इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमने माइनस कर दी यहाँ पर ये माइनस कर दिया और इसमें इसको बाहर वाले 3.14 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 8.05, इन तीनों को यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये हो गया 338.14 cm² कंप्लीट इसका जो क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कटोरे का है वो हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। आगे यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, अब प्रयास कीजिए, आपको प्रयास करना है कि इन सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आगे ये हम इनको आपको आगे दिखा देते हैं कि इन सवालों को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 सवाल आपके सामने हैं और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसकी आकृति आपको ये दी हुई है और इनको आगे आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपके लिए एक संदेश है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, जैसे यहाँ पर आकृति में आपको दिखाया भी गया है। तो पहला क्वेश्चन अब हम यहाँ पर प्रयास करेंगे, यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, 21 cm व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला यानी कि आपके सामने हमने गोले की आकृति यहाँ पर बना दी, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस ही होगी। गोले का व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ स्फीयर 21 cm, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर 21/2 cm, आप इसको बड़ी भी मान सकते हो क्योंकि एक ही गोला है हमारे पास, 10-20 गोले नहीं है या फिर अंदर और बाहर का भी नहीं कहा गया है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा गया है तो वहाँ पर, जैसे यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा गया है तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ही हमें निकालना होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर πr² होता है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर 4 तो 4 ही है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21/2, 7 से 21 को काट दिया 3 बार और ये 2 से इस 4 को काट दिया, तो ऊपर बच गया 22, 3 और 21, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा 1380 cm² आ गया हमारा इसका एरिया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का, देखो वहाँ पर आपको गोला दिया हुआ था, यहाँ पर अर्ध गोला दिया हुआ है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो अर्ध गोले की आकृति हमारी इस तरीके से होगी, यहाँ पर जो सारे की सारे ये हमने दिखा रखे हैं, यहाँ से यहाँ तक की आर, यहाँ से यहाँ तक की आर और यहाँ से यहाँ तक की आर, जो लेंथ होगी वो आर मान ली हमने। अर्धगोले की त्रिज्या जो है आर बराबर 21 सेंटीमीटर, यानी कि हेमीस्फेयर की रेडियस जो होगी। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 2 तो 2 ही है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 और यहाँ पर आर की वैल्यू 2 बार है, तो 2 बार 21 आ जाएगा, यानी कि 21 आ जाएगा। 7 से आप 21 को काट देंगे 3 बार आ जाएगा, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पर 2 और यहाँ पर सॉरी 3 और 22 को मल्टीप्लाई किया 66, और 2 और 21 को मल्टीप्लाई किया 42, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2772 आपका आ गया। अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 3πr² यानी कि टी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर। तो यहाँ पर 3 तो 3 है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 बार लिखी जाएगी 21 गुणा के 21, और अपॉन में 7 है, 7 से हमने 21 को काट दिया 3 बार गया, और यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो यह हमारा आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से निकालना है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब हमें रेडियस ज्ञात करनी है इसका, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ऑलरेडी आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस गोले की का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टी एस से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, गोले की त्रिज्या आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही हमें फॉर्मूला लगाना है, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें तो यहाँ पर 4πr² यानी कि 4πr², और यहाँ पर ये हमारे लिए ऑलरेडी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने ये इक्वल में रखा, 4 हमारा 4 ही है, पाई की वैल्यू 22/7 रखी हमने यहाँ पर, और r² ही है, और यहाँ पर 154 हमने यहाँ पर ये रख दिया। तो यहाँ पर r को हमने यही छोड़ा, r² को, और बाकी जो यहाँ पर है इनको हम अदर साइड में लेंगे, 7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 22 और 4 मल्टीप्लाई में थे तो यहाँ डिवाइड में गए हैं, तो हमने यहाँ पर 22 से 154 को काट दिया, 7 बार आ गया, तो ये 49/4 हमारा 4 आ गया, क्योंकि 4 नीचे बच गया और 7 के साथ की गुणा करी तो 49 आ गया। अब यहाँ पर r² था, तो r निकालना है, तो r निकालेंगे तो ये 49 और 4 का क्या हो जाएगा, अंडररूट हो जाएगा, और इनका अंडररूट निकालेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर हमारी रेडियस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिज्या बड़ी आर 7 सेंटीमीटर है वाला लंब वृत्तीय बेलन का गोले का पूर्णतः घेरे हुए है, यानी कि जो यहाँ पर ये हरी ग्रीन कलर के आपको गोला दिया हुआ है, इसको ये बेलन के अंदर है, बेलन को चारों तरफ से इसने यानी कि पूरी तरीके से क्या हो रहा है, टच हो रहा है, यहाँ पर भी टच हो रहा है, यहाँ पर भी टच हो रहा है, नीचे की तरफ इधर भी और इधर भी ऊपर की तरफ भी टच हो रहा है, यानी कि पूरी तरीके से ये इसको कवर कर रही है, जो बेलन है इस गोले को अच्छी तरीके से पूरी तरीके से कवर कर रही है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जब हमारे लिए रेडियस दी हुई है ऑलरेडी 7, तो यहाँ से यहाँ तक की भी रेडियस 7 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की भी रेडियस 7 हो गई, और ये जो हमारा बेलन है इसकी भी रेडियस कितनी हो गई, 7 हो गई। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, गोले की भी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है पहली बार में, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टी एस ऑफ स्फीयर 4πr², यहाँ पर 4 ही है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और यहाँ पर इसकी भी 7, तो 7 से 1 7 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 22 और 7 हमारा बच गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, यहाँ पर अब हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सी एस ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2πr h। अब हमारे पास में h नहीं थी, तो h निकालनी है, तो h क्या होगी हमारी, यहाँ पर हम आकृति को आपको दोबारा से दिखा देते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी h होगी, h कहाँ से कहाँ तक होगी, h हमारी यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक जब r है तो यहाँ से यहाँ तक भी r, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यानी कि r प्लस में r हमारी जुड़कर ये हो जाएगी हमारी h के बराबर। तो हमने यहाँ पर आपको नीचे दिखाया गया है,
यहाँ पर दिखाया है कि एच बराबर आर प्लस में आर, यानी कि 7 प्लस में 7, ये 14 हो गया। तो दो ही है, पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर की वैल्यू 7 है और एच की वैल्यू 14 है यहाँ पर। तो इनको हमने रख दिया, 2 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 और 22 की मल्टीप्लाई कर 44 हो गया और यहाँ पर ये 14, ये 44 और 14 को मल्टीप्लाई किया तो ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, सी एस ए ऑफ सिलेंडर हमारा निकल कर आ गया। तो इन सवालों को इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।